नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ की लॉटरी लग गई है। दरअसल उन्हें आईपीएल 2021 में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला और टीम इंडिया में शामिल कर लिया गया। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टी20 टीम में ऋतुराज गायकवाड़ टीम इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं। अब ऐसे में जब से ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन हुआ है, लोग इसकी लगातार तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये सिलेक्शन शायद वर्ल्ड कप के लिए भी हो जाता तो और बेहतर था। लेकिन अब ऋतुराज गायकवाड़ को आईपीएल के स्टेज से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना खेल दिखाना होगा। फिलहाल भारत के पूर्व दिग्गज और शानदार कप्तान रहे सुनील गावस्कर ने ऋतुराज गायकवाड़ के फैसले को लेकर बहुत बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई ने ये जो कुछ भी फैसला लिया है वो बेहद ही शानदार है। ऋतुराज गायकवाड़ क्रिकेट में आने वाले समय में राजा होंगे और वो यहाँ पर राज करेंगे, ना कि केवल टी20 में बल्कि वो टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट खेलने के लिए भी एक परिपक्व खिलाड़ी के तौर पर तैयार हैं। और अब उन्हें बीसीसीआई और टीम इंडिया के मैनेजमेंट को बेहतर तैयार करने की ज़रूरत है। सुनील गावस्कर ने अपने बयान में कहा, ऋतुराज गायकवाड़ प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो भविष्य में तीनों ही फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और टी20 में टीम इंडिया की सेवा करेंगे, क्योंकि वो हर तरह के शॉट्स खेल सकते हैं और उनका शॉट सिलेक्शन भी शानदार है। उसकी तकनीक अच्छी है और किसी भी तरह के दबाव से निपटने की क्षमता भी शानदार है। इसीलिए ऋतुराज को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकसित होते देखना वाकई रोमांचक होगा। गौरतलब है कि ऋतुराज गायकवाड़ ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया। अर्धशतक और शतक की बदौलत उन्होंने इस पूरे आईपीएल में बेहतरीन रन बनाए और ऑरेंज कैप भी जीता है उन्होंने, और इसके साथ ही उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन भी बनाया है, जिसकी वजह से उनका टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ। और अब सुनील गावस्कर भी इस सिलेक्शन से काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं और उन्हें लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर राजा बनने के लिए तैयार हैं और उनका प्रदर्शन जितना बेहतर रहेगा टीम इंडिया के लिए उतना ही सही रहेगा। फिलहाल ऋतुराज गायकवाड़ के सिलेक्शन पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।